अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद खालिद बैरियटन कराची से और आप देख रहे हैं पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स का यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज हम कुछ चांस डील के हवाले से बात करने वाले हैं और ऐसी इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात करने वाले हैं जिनका इन फ्यूचर में क्या बेनिफिट हो सकता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारी कंपनी PPL के CEO जाफ़र हुसैन साहब। हमने इनको इन्वाइट किया, आज कुछ सवाल के जवाब इनसे जानेंगे और प्रॉपर्टी के हवाले से आज की बाइंग हमारे लिए इन फ्यूचर कैसी रह सकती है। कुछ ग्राउंड फ्लोर के हवाले से हम जानेंगे और कुछ रेडी प्रॉपर्टी और रेडी जो शोरूम है बैरियटन कराची के अंदर ग्राउंड फ्लोर के, उनके हवाले से कुछ मालूमात लेने की कोशिश करेंगे। जाफर भाई से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। बैरियटन कराची के हवाले से आज कल लोग आवाम कुछ इस वजह से डरी भी हुई है क्योंकि जो मलिक रियाज के हवाले से न्यूज़ वगैरह फैल रही है, कुछ लोग बैरियटन कराची से निकलना भी चाह रहे हैं और कुछ हमारे पास ऐसी कॉल्स भी आती हैं कि यार अगर ये सीन अगर हो जाता है तो हम तो मज़ीद जो है हमारी प्रॉपर्टी तो जब्त कर ली जाएगी। तो सबसे पहले हमें ये बता दें कि इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि वाकई ही ये न्यूज़ कन्फर्म है कि बैरियटन कराची को भी जब्त कर लिया जाएगा? देखिए, हम बैरियटन कराची में इस टाइम बैठे हैं और आप घूमते भी हो और कराची के विज़िटर्स भी आपके जुम्मे को, हफ्ते और जो संडे वाले दिन हैं वो आते हैं, सारा देखते हैं। अलाइव एरियाज़ हैं, यानी ये प्रॉपर्टीज़ तो आपकी जो यहाँ के अलॉटीज़ हैं उनके नाम हो चुकी हुई हैं। जी जी, देखिए वो जो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके हवाले से ये केस है, उनकी पर्सनल जो भी प्रॉपर्टी होगी, उनके बैंक अकाउंट्स हैं या कुछ और होगा तो वो जब्त किए जाएंगे। ये एक सोसाइटी है और सोसाइटीज़ इस तरह से कहीं भी जो है वो नहीं जाती हैं। ठीक है, ठीक है। और ये एक, इस टाइम हम एक पार्क में बैठे हैं, ये प्रीसिंक्ट वन का पार्क है। ठीक है, आपको पता है प्रीसिंक्ट वन में ये ऐसी खूबसूरत सोसाइटी है कि एक एक प्रीसिंक्ट में दो दो तीन तीन चार चार पार्क दिए गए हैं। जी जी, बहुत खूबसूरत सोसाइटी है और जो भी ओवरसीज आते हैं उन चीज़ों को देखते हैं तो काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, अब न्यूज़ जब फैलती है तो डेफिनेटली जो नेगेटिव न्यूज़ होंगी तो उससे बाहर बैठे लोगों का कंसर्न होते हैं, इसी वजह से उनकी कॉल आते हैं क्या हो गया। नहीं, इस टाइम सब कुछ अलाइव है, आप देख सकते हैं, यहाँ आप आएँ, विज़िट करें, आपके जो रिलेटिव्स हैं उनको भेजें, आपके दोस्त हैं उनको भेजें, आप नाइट में भेजें, यहाँ रात की जो रौनक हैं वो देखें, दिन में जो रौनक हैं उनको, चीज़ों को आप देख सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ जो है वो वैसे का वैसा चल रहा है। जज़ाकअल्लाह। अच्छा जाफर भाई, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आज जो क्लाइंट्स अपने प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं उनके, उनको आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? क्या उनको अभी अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी चाहिए या उनको इलेक्शन का वेट करना चाहिए या अभी वो सेल कर सकते हैं? अच्छा, ये देखें कि इसमें ना काफ़ी किस्म के जहन के मालिक जो होते हैं वो लोग होते हैं। अब कुछ हर जगह पे ना कीमतें कम, आपको पता है इस टाइम बैरियटन कराची में कीमतें काफ़ी डाउन है, आपके कमर्शियल प्लॉट की, आपके ग्राउंड फ्लोर शोरूम्स की, इवन कि आपके बने बनाए अपार्टमेंट्स की, हम बैठे हैं सामने बिल्डिंग एक नज़र आ रही है यानी जो कि हैंड ओवर होने जा रही है, जी जी, उनमें अपार्टमेंट हैं वो काफ़ी लो प्राइस में। अब अगर वहाँ से कोई शफल करना चाह रहा है कि वहाँ से वो प्रॉपर्टी, ठीक है वो जो जिस रेट में उसने लिए थे प्लॉट्स वो कम कीमत में, लेकिन वो ये देखे कि जो अपार्टमेंट वो ले रहा है वो उससे भी कम कीमत में उनको चीज़ें मिल रही हैं, इस तरह से शफलिंग करता है तो इट्स ओके। अगर वो यहाँ से निकलना चाह रहा है, यहाँ से प्लॉट सेल करके पैसे अपने पास रखना चाह रहा है तो वो मैं कहूँगा कि वो गलत डिसीजन है। सिर्फ और सिर्फ तब ले सकते हैं, तब कर सकते हैं जब आपको एक फाइनेंशियली ऐसा क्राइसिस आया हुआ है कि इंतहाई ज़रूरत है, तो उसके तहत तो आप मूव करें, अदरवाइज़ आप उसको लेके मूव ना करें, आप बार्टर करें या डिफरेंट चीज़ों में, आप ग्राउंड फ्लोर शोरूम्स हैं उसकी तरफ बार्टर करें, सस्ते अपार्टमेंट हैं उसकी तरफ बार्टर करें, विलाज हैं सस्ते मिल रहे हैं उनकी तरफ बार्टर करें, वो आपके लिए काफ़ी मुफीद है, बाकी निकलना वो आपके लिए मुफीद ऐसे नहीं है। यानी कि आप इस बात को अप्रिशिएट नहीं करते? नहीं सर। तो जैसा आपने शोरूम का जिक्र किया तो शोरूम की तरफ हम आ जाते हैं। जो बैरियटन कराची में मेन जनाह पे शोरूम अभी हमें काफ़ी रेडी शोरूम देखने को मिलते हैं जो ऑलरेडी रेंटेड भी हैं और कुछ सेल पे भी हैं, क्या ये आज की परचेजिंग शोरूम की हमारे लिए कल के लिए क्या कैसा मतलब बेनिफिट ला सकती है हमारे लिए? अच्छा, देखें कि जिन शोरूम्स की आप बात करें अभी आप घूमते होंगे देखते होंगे, अभी आपको उतनी रौनक नज़र नहीं आती यहाँ इस बिल्डिंग में जैसे पहले थी। अच्छा, यहाँ ये देखें कि इसके रेट भी आपके 1 लाख तक और 1 लाख और कुछ शोरूम के 1,25,000 तक जो नाज़रीन थे वो इंक्रीज़ हो चुके थे और जो कि इस टाइम आपको बहुत मुनासिब कीमत में मिल रहे हैं। ठीक है ना,
शोरूम 1000 स्क्वायर फीट का मैं कहूँ तो वो तकरीबन आपको 10-10 करोड़, 12-12 करोड़ यहाँ तक आपका जो है वो पहुँच चुका था। अब वही वाले जो शोरूम्स हैं आपको 7-7 करोड़ में, इससे भी कुछ कम कीमत में वो जो चीज़ें हैं आराम से जहाँ मिल जाती हैं। तो एक तो रेंटल इनकम इनकी काफ़ी अच्छी होगी कि वो इंजॉय करेंगे, और दूसरा रेट्स जो हैं वो अपनी पुराने रेट्स पे भी पहुँच जाते हैं इसी साल में, तो वो भी काफ़ी एप्रिसिएशन होगा आपका, कम से कम 30% तक एप्रिसिएशन आपकी इसी साल में आ जाएगी शोरूम की तरफ आप मूव करते हैं तो। ठीक है, यानी कि आपके कहने का मतलब है कि ये अगर शोरूम की तरफ आते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। हाँ जी, ठीक है सर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे विलास के हवाले से है कि जैसे 10A के विलास हो गए, या प्रीसेंट 27, 11A के, 11B के विलास हैं, या स्पोर्ट सिटी के विलास हैं, तो अभी उनमें कीमतें क्या चल रही हैं, और आफ्टर इलेक्शन जैसे हम हमारे काफ़ी सारी वीडियो में सुनने में भी आ रहा है कि आफ्टर इलेक्शन इंशाल्लाह मार्केट मज़ीद बेहतरी की तरफ आ जाएगी, क्योंकि अभी हलचल होना शुरू हो गई है मार्केट के अंदर। तो विलास में अगर हम आज इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें ये कल अप्रॉक्सीमेटली कितना रेट जो है इंक्रीमेंट इसमें देखने को मिल सकता है? अच्छा, ये देखें कि एक तो जो भी विलास लेते हैं जिस लोकेशन पे, एक तो वो रहने के लिए लेते हैं, अब रहने के लिए लेते हैं तो काफ़ी डाउन प्राइसेस हैं इस टाइम, ठीक है। अब एप्रिसिएशन कितना आ सकता है, अब मैं ये तो नहीं कहूँगा इलेक्शन होंगे और फौरन ही एक महीने के अंदर रेट इतने काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे, नहीं, इसके लिए जो होता है वो टाइम पीरियड लाजमी होता है, यानी 6 महीने 8 महीने 10 महीने आपको जो है वो लग सकते हैं, बल्कि मैं ये 2024 तक कहूँगा, यानी 2024 के आखिर तक जो कीमतें इस टाइम चल रही हैं, जैसे देखें कि स्पोर्ट सिटी विलास की इस टाइम 2 करोड़ प्राइजेज, 2 करोड़ से लेकर 2 करोड़ 15 लाख चल रही है, तो वो ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ तक पहुंच जानी है मिनिमम, ठीक है। और इसी तरह आप आपने बात की 10A के विलास की बात की, अगर वो आपके पौने 2 करोड़ में मिल रहे हैं तो उनकी जो प्राइजेज होंगी वो भी तकरीबन 2 करोड़ 10 लाख तक यहाँ तक जो है वो पहुँच जाएंगी, यानी जो हम आइडिया लगाए बैठे हैं इस साल के आखिर तक तकरीबन 30% तक जो कीमतें हैं वो उनका इजाफा लाजमी होगा, ठीक है। और बाकी 30% से ऊपर चला जाए वो एक और बात है, मज़ीद वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन कम से कम 30% लाजमी है कि वो इसमें इंक्रीमेंट आएगा ही आएगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया जाफर भाई। मेरा आखिरी क्वेश्चन है आपसे कि अपार्टमेंट के हवाले से, अगर हम बैरिया होम्स में जो बैरिया की मैनेजमेंट ने अपार्टमेंट बना के दिए, अगर उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं? अगर हम जो प्राइवेट बिल्डर ने यहाँ पे अपार्टमेंट दिए हैं तो उसमें हम मतलब कैसा बेनिफिट हासिल कर सकते हैं? अगर ये है कि मैं अगर कहूँ कि मुझे जो बैरिया की मैनेजमेंट ने अपार्टमेंट बना के दिए मैं उसमें मर्जिंग करवाना चाह रहा हूँ, क्या उसमें मेरी मर्जिंग आप करेंगे या प्राइवेट बिल्डर में ही आप मेरी मर्जिंग करेंगे? अच्छा, ये देखें कि एक मर्जिंग है, एक आपकी एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट कहीं भी आपकी हो सकती है। मिसाल के तौर पे बैरियर टाउन कराची में आपका कहीं भी प्लॉट है, ठीक है, तो उसको उसमें एडजस्ट किया जा सकता है, चाहे वो बैरियर के बने बनाए अपार्टमेंट्स हैं चाहे प्राइवेट अपार्टमेंट्स हैं। हाँ, आपकी अगर आउट ऑफ बाउंड्री फाइल्स हैं और इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो आप इस प्राइवेट जो कंस्ट्रक्शन है इसमें आएंगे, वो आपकी जितनी भी फाइल आउट ऑफ बाउंड्रीज हैं वो सारा कुछ इसमें जो है वो मर्ज हो जाता है, ठीक है, तो करवा सकते हैं और रेट भी बड़े मुनासिब मिल रहे हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ें मिल रही हैं इस टाइम। ठीक है जाफर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। जी, आपने जाफर भाई की बातें सुनी और इंशाल्लाह आफ्टर जो इलेक्शन है जो हमें मार्केट देखने को मिल रही है इंशाल्लाह बहुत ही बेहतरी की तरफ हमें देखने को मिल रही है, और इंशाल्लाह जो आपकी आज की प्रॉपर्टी है इंशाल्लाह इनमें बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट आने वाला है, और अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो आप उसको थोड़ी देर होल्ड कर लें, अगर आप मज़ीद प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं तो उसको खरीदें। इसके अलावा बैरियर टाउन कराची के हवाले से आपकी कोई भी क्यूरी हो स्क्रीन पर मेरा नंबर मौजूद है, आप 24/7 मुझसे कॉल पर रब्ता कर सकते हैं, मेरे जो ओवरसीज क्लाइंट हैं मुझे व्हाट्सअप पे ईमो पे ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ ही मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।